अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ द डे है वो है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट में क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो कुछ चीज मैं एक्सप्लेन करूंगी, फिर मैं डेफिनेशन से उसका लिंक करूंगी। आप लोग मुझे ये बताओ, क्या ऐसा होता है कि एक फैक्ट्री में हमने एक प्लांट लगाया है, या फिर हमने या मैं यूं कह लूं कि मैंने फैक्ट्री में एक मशीनरी इंस्टॉल की, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं एक ही मशीन लगाकर मैं उससे तीन चार किस्म की प्रोडक्ट बनाकर निकालूं? क्या ऐसा मुमकिन है? आई रिपीट कि मैंने फैक्ट्री में एक प्लांट लगाया है, या मैं यूं कह रही हूँ कि मैंने एक मशीनरी इंस्टॉल की है फैक्ट्री में, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं एक ही मशीन लगाई है ना मैंने, उससे मैं तीन चार किस्म की प्रोडक्ट बनाकर निकालूं? तो क्या ऐसा मुमकिन है? आप लोगों का जवाब आना चाहिए हाँ मिस, बिल्कुल मुमकिन है। जैसे अगर मैं मिसाल दूँ, फॉर एग्जाम्पल यूनिलिवर एक कंपनी है, तो यूनिलिवर जो है एक साबुन बनाती है, लक्स लक्स सोप बनाती है, ठीक है? तो लक्स में भी आपने देखा होगा कि वो पिंक कलर का भी एक सोप भी लक्स में आता है, व्हाइट कलर का भी आता है, रेड कलर का भी आता है, डिफरेंट कलर्स के होते हैं और डिफरेंट उनके ना खसूसियात होती हैं। तो अब क्या है, एक ही प्लांट लगाया, उससे इन्होंने तीन चार किस्म की प्रोडक्ट निकाली, ठीक है? इसी तरह यूनिलेवर जो है वो सेफ गार्ड भी बनाती है, सेफ गार्ड और लक्स दो अलग अलग साबुन है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो हर सोप के लिए एक अलग प्लांट लगाती होगी कि अगर भाई लक्स बनाना है तो मैं अलग प्लांट बनाऊंगी लगाऊंगी, सेफ गार्ड करना है? प्लांट्स मुराद हैवी मशीनरी, ठीक है, पौधा मत समझ लीजिएगा। अच्छा, अब क्या है, तो क्या ऐसा होगा कि यूनिलीवर जो है वो लक्स सोप बनाने के लिए एक अलग हैवी मशीन इंस्टॉल करेगी और सेफ गार्ड सोप बनाने के लिए एक अलग हैवी मशीन इंस्टॉल करेगी? क्या आपको ऐसा लगता है? अच्छा जी, अब हम एक और मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। इसी तरह यूनिलीवर जो है वो पेंटीन शैम्पू भी बनाती है और सनसिल्क शैम्पू भी बनाती है, तो क्या आप ये समझते हैं कि डिफरेंट शैम्पू के लिए डिफरेंट प्लांट लगाती होगी? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मैंने इतनी लंबी बात की है इसका मकसद क्या है। सबसे पहले तो आप लोग ये बात समझ लीजिए कि कंपनी जो है वो एक प्लांट लगाती है और उसी से वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स निकालती है। अगर एक प्लांट उसने इंस्टॉल किया है और उसी से वो तीन चार पांच किस्म की प्रोडक्ट्स निकाल रही है। अच्छा जी, अब हम समझते हैं कि व्हाट इज जॉइंट प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट के अंदर होता ये है कि हम जो है वो सिंगल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, और एक ही प्रोसेस के थ्रू एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, ठीक है? आई रिपीट, जॉइंट प्रोडक्ट के अंदर होता यह है कि हम सिंगल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, और एक ही प्रोसेस से हमने मटेरियल डाला है एक सिंगल प्रोडक्ट बना सिंगल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ठीक है? अब वो एक ही प्रोसेस से गुजर कर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन जाएंगी, ठीक है? अब ये कैसे होता है ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? होता ये है कि लेट सपोज मान लें कि हमारा जो प्रोसेस वन है, हमारा अच्छा जी, अब लेट सपोज आप मान लें कि ये हमारा प्रोसेस वन है, ठीक है, और हम जो है यहाँ पे मैंने कुछ मटेरियल इनपुट किया है, प्रोसेस वन में डाला है, ठीक है? अच्छा जी, और एक प्रोसेस का इनपुट
दूसरे प्रोसेस का आउटपुट होगा, और दूसरे प्रोसेस के लिए वही चीज प्रोसेस टू के लिए वो इनपुट हो जाता है, ऐसा ही है। मैं रिपीट कर देती हूँ अपनी बात, ये कि हमने प्रोसेस वन में कुछ, हम यहाँ कुछ इनपुट कर रहे हैं, और एक प्रोसेस का ये इनपुट जो है वो दूसरे प्रोसेस के लिए, जाहिर सी बात है, एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस में इनपुट हो जाता है। अब ये मैंने प्रोसेस वन इनपुट किया, इसका कुछ आउटपुट निकला, और इसका जो आउटपुट है ये प्रोसेस टू में इनपुट हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या होता है प्रोसेस, अच्छा अब इस प्रोसेस टू से जो हमें आउटपुट मिला, यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिला वो तीन अलग प्रोडक्ट्स मिली, जैसे ए, बी और सी। अब ए जो है वो अलग पैकेज होने चला गया, बी जो है वो अलग पैकेज होने चला गया, और सी जो है वो अलग पैकेजिंग, उसकी अलग पैकेजिंग होगी। तो याद रखें ये तीनों जो हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, सही है, लेकिन इन तीनों को जो बनाने में कॉस्ट आई होगी या कॉस्ट होगी वो कुछ हद तक कॉमन कॉस्ट होती है। ऐसे ही इस चीज को हम, मैं दोबारा बोल रही हूँ, इन तीनों को बनाने में जो खर्चा होगा वो मेरी कॉमन कॉस्ट ही होगी, ठीक है। इसको हम कॉमन कॉस्ट भी बोलते हैं और इसको हम जो है वो जॉइंट कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इस टॉपिक में, इस टॉपिक में जो हमें पढ़ना है, जो हमारा काम है, हमारा काम ये ही है कि ये जो कॉमन कॉस्ट है ना इन तीनों प्रोडक्ट्स को बनाने में, ठीक है, वो हमें आपस में शेयर करनी है। जैसे अगर आपको याद हो वो वाली वर्किंग, जिस तरह हम ओवरहेड्स में एक कुल खर्चा होता था, तीन डिपार्टमेंट का एक रेंट होता था, तो हम तीनों, वो क्या होता था, वो रेंट जो था वो कॉमन कॉस्ट होती थी, उसको हम तीनों डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट में शेयर करते हैं, जिसको हम अपोर्शनमेंट बोलते हैं। बिल्कुल कुछ उसी तरह की वर्किंग करेंगे, और जो ये जॉइंट कॉस्ट या कॉमन कॉस्ट है इसको हम अपनी तमाम प्रोडक्ट्स, ये जो ए बी सी हमने बनाए हैं, या आगे जो क्वेश्चन, जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूट करने के मेथड्स हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी, सही है, कि कौन कौन से मेथड हैं। और याद रहे ये बात कि सवाल आपको स्पेसिफाई करेगा कि आपको किस मेथड से सवाल को सॉल्व करना है, एक पेपर में या एग्जाम में, सही है, ये बात क्लियर हो गई है। अच्छा, मैंने क्या अभी तक बोला कि मैंने इनपुट किया है प्रोसेस वन में कुछ, अब इनपुट जो है वो आउटपुट बन के बाहर आया, अब जो भी आउटपुट आया उसको मैंने, जाहिर सी बात है, एक प्रोडक्ट मुख्तलिफ प्रोसेस से बन के गुजरती है ना, अब जो आउटपुट आया उसको मैंने प्रोसेस टू में दोबारा इनपुट किया, अब प्रोसेस टू से अब प्रोडक्ट बन गई है। अब जैसे ही मैंने टू में, प्रोसेस टू में डाला, तो मेरे पास तीन प्रोडक्ट्स बन के आए, ए बी और सी, यहाँ तक मैंने बात बोली, ठीक है। फिर मैंने बताया कि इन तीनों प्रोडक्ट को बनाने में जो मेरा खर्चा आया होगा वो कॉमन कॉस्ट है, उसको मैं ज्वाइंट कॉस्ट भी बोलती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने एक ही मटेरियल इनपुट किया है, ठीक है, और उसी से ये दोनों प्रोसेस से गुजर के ये तीन अलग अलग प्रोडक्ट्स बने हैं। अच्छा जी, अब मैं एक और बात बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पॉइंट पर ये प्रोडक्ट्स सेपरेट हो जाएंगी या होती हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मेरी प्रोडक्ट्स हैं ये सेपरेट हो गई ना, अब ये तीन अलग अलग प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ए बी और सी, ठीक है। यहाँ से तो मैंने, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं साबुन बना रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मटेरियल इनपुट किया, ठीक है, मटेरियल इनपुट होने के बाद आउटपुट निकला, दोबारा से मैंने इसको प्रोसेस टू में डाला, प्रोसेस टू में जैसे ही वो गया तो तीन अलग अलग किस्म के साबुन,
बन के निकल आया, ये रेड निकल आया, ये पिंक निकल आया, ये जो है ये हमारा व्हाइट निकल आया। सही है, तीन अलग अलग प्रोडक्ट्स निकल आए। अब जिस पॉइंट पे ये तीन अलग अलग हो जाएंगे ना, जिस पॉइंट पर ये प्रोडक्ट सेपरेट होती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेपरेशन। इसको रब करने में ठीक है, जिस पॉइंट पे ये प्रोडक्ट्स तीनों सेपरेट होती हैं, आउटपुट से निकल के जैसे ही प्रोसेस टू से ये बाहर निकली, ये तीनों सेपरेट प्रोडक्ट्स इन्होंने शक्ल अख्तियार कर ली, तो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेपरेशन। ठीक है, बल्कि कुछ लोग इसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट भी बोलते हैं, और पेपर या किट में भी जगह जगह ना स्प्लिट ऑफ का वर्ड यूज हो रहे हैं। मैंने क्या बोला, जिस पॉइंट पर ये प्रोडक्ट सेपरेट होती हैं, जैसे यहाँ इस पॉइंट पर ये प्रोडक्ट सेपरेट हो गई, ठीक है, उस पॉइंट को मैं पॉइंट ऑफ सेपरेशन भी बोलते हैं और इसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट भी बोलते हैं। अच्छा जी, दूसरी बात, इस पॉइंट से पहले तक की जो कॉस्ट है, ठीक है, यानी कि यहां तक की जो कॉस्ट है, आई रिपीट, इस स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले तक की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट हमें शेयर करनी है। इस पॉइंट से पहले तक की जो कॉस्ट है वो हमारे लिए कॉमन कॉस्ट है या फिर जॉइंट कॉस्ट है। पॉइंट ऑफ सेपरेशन से पहले तक की जो कॉस्ट है वो हमें इन तीनों प्रोडक्ट्स में शेयर करनी है, ठीक है, और इस पॉइंट के बाद वाली कॉस्ट, ठीक है, इस पॉइंट के जो बाद वाली कॉस्ट है, पॉइंट ऑफ सेपरेशन के जो बाद वाली कॉस्ट है उसको हम बोलते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ठीक है, आई रिपीट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले का जो खर्चा है वो खर्चा हमारा कॉमन कॉस्ट होता है। सही है, क्योंकि वो उस वक्त तक कोई भी स्प्लिट नहीं आया होता, तो जो खर्चा होता है वो तमाम प्रोडक्ट शेयर करती हैं, ठीक है, और उसको उसको बेसिकली हमें अपोर्शन करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन स्प्लिट ऑफ के बाद का जो खर्चा होगा वो सबका अपना अपना खर्चा होगा, ठीक है। अभी जो मैंने वर्ड अपना अपना यूज किया है वो क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये ए है ना, एक प्रोडक्ट है, इसकी फॉर एग्जाम्पल इसकी जो फर्दर कॉस्ट लगी, मैं अभी कॉमन कॉस्ट की बात नहीं कर रही, अभी मैं सिर्फ फर्दर कॉस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्रोडक्ट बनने में जो खर्चा आया सो आया, ठीक है, अब इसकी जो इसमें जो मजीद फर्दर खर्चा हुआ स्प्लिट ऑफ होने के बाद, इनमें जैसे मैंने बताया ना, ये रेड पिंक और व्हाइट, अब रेड में जो है ना हमें थोड़े से अलग एक्सट्रैक्ट्स डालने हैं, व्हाइट में अलग डालने हैं, पिंक में अलग डालने हैं, तो रेड में जो डाला मैंने, जो मजीद फर्दर खर्चा किया वो कितने का किया, 10,000। तो वो सिर्फ ए की जिम्मेदारी है, वो सिर्फ ए के हिस्से में आएगा। भाई मैंने खर्चा तो ए के ऊपर किया है ना, फर्दर ए बी सी तक तो तमाम एक ही प्रोसेस से गुजर कर बन रही थी। अब ए के अगर अब अगर ए में मजीद कुछ एडिशन करनी है तो वो तो ए के खाते में जाएगा ना, ए के खर्चे में जाएगा, ठीक है। तो फर्दर कॉस्ट हम तमाम प्रोडक्ट्स पर शेयर नहीं करते, तो वो जिसकी होती है उसी की होती है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो जो जॉइंट कॉस्ट है वो हम तमाम प्रोडक्ट्स में शेयर करेंगे, ठीक है, किस तरह शेयर करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जो तो जो हमारी जॉइंट प्रोडक्ट्स होती हैं वो कौन सी प्रोडक्ट होती हैं, जो किसी एक ही प्रोसेस के रिजल्ट में बनती हैं, ठीक है।
अब ये जो मेरी एबीसी तीन प्रोडक्ट्स बनी है, सही है, तो ये एक ही प्रोसेस के रिजल्ट में बनी है ना। P1 से गुजरा, फिर आउटपुट हुआ, फिर P2 से गुजर के अब ये इसने तीन अलग अलग प्रोडक्ट्स की शक्ल अख्तियार कर ली। तो ये एक ही प्रोसेस से गुजर कर तीन अलग अलग प्रोडक्ट बनी है, तो ये मेरी कहलाएगी ज्वाइंट प्रोडक्ट। ठीक है, स्प्लिट ऑफ होने का वाला पॉइंट क्या होता है, जहां पे ये प्रोडक्ट सेपरेट हो जाती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेपरेशन। उससे पहले वाली कॉस्ट होती है कॉमन कॉस्ट या ज्वाइंट कॉस्ट। स्प्लिट ऑफ के बाद वाला जो खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। हम सिर्फ कॉमन कॉस्ट और ज्वाइंट कॉस्ट को ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रोडक्ट्स में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जिसकी होती है उसकी ही होती है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। सही है। अच्छा जो एक और बात ऐसी मैं बता रही हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ तो मैंने सिर्फ दो प्रोसेस बताए ना कि प्रोसेस 1 हुआ, प्रोसेस 2 और तीन प्रोडक्ट्स बन गए। तो ऐसा नहीं होता कि दो ही प्रोसेस के बाद जो है प्रोडक्ट जो है वो स्प्लिट ऑफ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। कहीं 4 के बाद होती है, कहीं 5 के बाद होती है, कहीं 6 के बाद होती है। ठीक है, तो जब तक आपका प्रोसेस चल रहा है और जब तक स्प्लिट ऑफ नहीं होगा, अब चाहे वो 10 प्रोसेस तक ही स्प्लिट ऑफ ना हो, ठीक है, तो उससे पहले तमाम कॉस्ट क्या होगी, कॉमन कॉस्ट। जैसे ही स्प्लिट ऑफ, जैसे ही तीन अलग अलग प्रोडक्ट सेपरेट प्रोडक्ट होंगी, वो हमारा पॉइंट ऑफ सेपरेशन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, याद रहे ये बात, मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ कि कॉमन कॉस्ट का खर्चा सारी प्रोडक्ट्स का खर्चा होता है। ठीक है, वो किसी एक प्रोडक्ट को बिलोंग नहीं करता, वो सबको बिलोंग करता है। जबकि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का खर्चा जिस प्रोडक्ट का होता है इसी प्रोडक्ट को बिलोंग करता है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं ये बता देती हूँ, मैंने इसमें बताया भी था कि मेथड्स टू शेयर कॉमन कॉस्ट, मैंने ये बात बोली है ना कि कॉमन कॉस्ट को मैं शेयर करूंगी, तो उसको शेयर करने के तीन तरीके हैं, मेथड टू शेयर कॉमन कॉस्ट। पहला है फिजिकल आउटपुट मेथड, दूसरा है सेल्स वैल्यू मेथड, तीसरा है नेट रिलाइजेबल वैल्यू मेथड। अब किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, किस तरीके से करेंगे, वो सब मैं बताऊंगी। अभी सिर्फ मैंने ये बताया कि कॉमन कॉस्ट होती क्या है, और मैंने ये भी बताया था कॉमन कॉस्ट को हम शेयर करते हैं, और इन तीन तरीकों से हम कॉमन कॉस्ट को शेयर करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि कॉमन कॉस्ट जो होती है वो किसी एक प्रोडक्ट को बिलोंग नहीं करती, सबको बिलोंग करती है। ठीक है जी, अच्छा अब एक और बात मैं बता दूं। अच्छा, और ऐसा भी होता है कि कोई प्रोडक्ट जो है वो P1 के बाद ही अलग हो गई, ठीक है, P1 के बाद ही स्प्लिट आ गया। ठीक है, ये मैं थोड़ी एडवांस लेवल की बात कर रही हूँ। ऐसा भी होता है कि कोई जो मेरी प्रोडक्ट है वो P1 प्रोसेस 1 के बाद ही अलग हो गई, और कोई प्रोडक्ट जो है वो प्रोसेस 2 तक साथ रही। समझ में आ रही बात ये? अगर मैं ए बी और सी बना रही हूँ ना, ठीक है, तो अगर मेरी जो प्रोडक्ट सी है वो प्रोसेस 1 में ही अलग हो गई, तो इसका खर्चा सिर्फ प्रोसेस 1 उठाएगा। सही है, अगर मैं ए बी और सी बना रही हूँ और मेरी जो प्रोडक्ट सी है तो प्रोसेस 1 में ही हो गई, तो ये तीनों खर्चा उठाएंगे ए बी सी। अब जब मैं प्रोसेस 2 में गई तो सी तो अलग हो गई है ना, अब ए बी, अब जो भी खर्चा होगा वो ये दोनों उठाएंगे।
सही है। तो जरूरी नहीं है कि सब एक ही जगह पर आकर जो है स्प्लिट ऑफ हो। जो जब स्प्लिट ऑफ हो जाए उतना हम उस वक्त खर्चा हम उन तीनों में या दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये होता है मेरा ज्वाइंट कॉस्ट, ज्वाइंट प्रोडक्ट। अब ज्वाइंट प्रोडक्ट आर व्हेन टू और मोर प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड और सेपरेटेड इन द कोर्स ऑफ प्रोसेसिंग, ईच हैविंग अ सफिशिएंटली हाई सेलेबल वैल्यू। और याद रखिए ये बात कि ज्वाइंट प्रोडक्ट्स की एक अपनी सिग्निफिकेंट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ज्वाइंट प्रोडक्ट्स क्या होती है कि जो हमने एक ही तरह मटेरियल डाला, एक ही प्रोसेस से गुजर कर, ठीक है, तीन प्रोडक्ट्स बन गए। ज्वाइंट प्रोडक्ट्स क्यों? क्योंकि वो एक ही प्रोसेस से गुजर कर, प्रोसेस वन से निकली, आउटपुट हुआ, फिर प्रोसेस टू में गया, और फिर वो एक पॉइंट पे जाके सेपरेट हो जाएंगे। और हर किसी की अपनी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट क्या होती है? अब मैं बता रही हूँ कि बाय प्रोडक्ट, ठीक है, व्हाट इज बाय प्रोडक्ट। अच्छा, जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हमारी कुछ चीजें जाया हो जाती हैं। सही है, जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं कुछ चीजें जाया हो जाती हैं, कुछ चीजें टूट जाती हैं या कुछ चीजें गलत बन जाती हैं, जिसको हम कहते हैं ये हमारा नुकसान हो गया या ये हमारा लॉस हो गया। ऐसे ही होता है ना कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो हमारी कुछ चीजें जाया हो जाती हैं, टूट जाती हैं या गलत बन जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारा नुकसान हो गया या हमारा लॉस हो गया। अच्छा, बाय प्रोडक्ट, एक और चीज समझ लीजिए कि बाय प्रोडक्ट जो है वो कोई लॉसेस नहीं होते। ठीक है, बाय प्रोडक्ट कोई लॉसेस नहीं होते। ये कोई ऐसी चीज नहीं होती जो टूट गई, जाया हो गई। सही है, बल्कि बाय प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कोई एक चीज खुद ब खुद बन गई। ठीक है, अगर आप लोग बाय प्रोडक्ट की डेफिनेशन में आपको एक अल्फाज लिखा हुआ नजर आएगा, अन इंटेंशनल, हमारी मर्जी से नहीं बन रही होती बल्कि खुद ब खुद बन रही होती है, इसको हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। आई रिपीट कि बाय प्रोडक्ट कोई ऐसी चीज नहीं होती या ये भाई ये चीज मैन्युफैक्चरिंग के दौरान टूट गई या खराब हो गई तो ये हमारी बाय प्रोडक्ट है, बल्कि नहीं। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है कि हम अपनी नॉर्मल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कोई एक ऐसी चीज जो खुद ब खुद बन गई। सही है, और मैंने बोला कि बाय प्रोडक्ट की डेफिनेशन में एक अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है अनइंटेंशनल, हमारी मर्जी से नहीं बन रही, खुद ब खुद बन रही है, इसको हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज हम कोयला रिफाइन कर रहे हैं, कोयला रिफाइन करते हैं ना हम लोग। जब हम कोयले पर काम कर रहे होते हैं तो उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। कोयला रिफाइन करते वक्त जब हम कोयले की रिफाइनिंग कर रहे होते हैं तो वो चंद जो है वो स्टेजेस से गुजरता है। पहले उसका कोल तार बनता है, फिर उसका ब्लैक कोल बनता है, और फिर वो रिफाइन होता है फिर मजीद होता है। ठीक है जी, तब तब जाके हमें वो उस कोयले की शक्ल मिलती है। वो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता है। इस मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरने के दौरान मुख्तलिफ चीजें जो हैं तो इस पूरे प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 गैस है वो बन रही होती है। ठीक है, आई रिपीट, मैं अपनी एग्जाम्पल रिपीट कर रही हूँ कि मैं जो हूँ कोयला रिफाइन कर रही हूँ, और कोयला रिफाइन जब हम करते हैं तो उसकी कुछ कुछ स्टेजेस होती हैं।
जैसे कोल तार बन रहा है, ब्लैक ऑयल बन रहा है, सही है, और वो रिफाइंड इस तरह वो मजीद रिफाइंड होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में रिफाइनिंग के कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बन रही होती है, ठीक है। अब मेरी ख्वाहिश नहीं है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाने की, लेकिन ये खुद ब खुद बन रही है, ठीक है। अब बात समझ में आ रही है आपको, जिस चीज अनइंटेंशनली मेरी मैं तो भाई कोयला रिफाइन कर रही हूँ। अब कोयला रिफाइन करने के दौरान अब अगर मुख्तलिफ स्टेजेस से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो वो उसमें मेरी इंटेंशन थोड़ी है, वो तो निकल रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मेरी बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा जी, तो बाय प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो किसी प्रोडक्ट को बनाने के चक्कर में एक प्रोडक्ट आपकी खुद बखुद बन रही है, ठीक है। और इसकी निशानी ये होती है कि ये क्वांटिटी वाइज और वर्थ वाइज आपकी मेन प्रोडक्ट के मुकाबले में बहुत कम होती है। मैंने ऊपर जो आपको ज्वाइंट प्रोडक्ट की डेफिनेशन बताई, ये बताई ना कि उसकी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है, जबकि बाय प्रोडक्ट की कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं होती, क्योंकि ये क्वांटिटी वाइज कम होती है और जाहिर सी बात है ये वर्थ वाइज भी कम होती है आपकी मेन प्रोडक्ट की, क्योंकि हम तो मेन प्रोडक्ट बना रहे हैं ना। मैं तो कोयला रिफाइन कर रही हूँ, अब कोयला रिफाइन करने के दौरान तो कोयला नहीं मेरी मेन प्रोडक्ट है, उसकी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है। अब अगर वो रिफाइन करने के दौरान मेरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो अनइंटेंशनली बन रही है, तो वो क्वांटिटी वाइज भी बहुत कम होगा और वर्थ वाइज भी बहुत कम होगा, मुकाबले में कम होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं बहुत सारा मेन प्रोडक्ट बनाऊंगी तो बहुत थोड़ा सा मेरा बाय प्रोडक्ट निकलेगा, सही है। अच्छा जी, ऐसे में आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, ड्यूरिंग कोल माइनिंग अगर मैं कोयला जो है वो निकाल रही हूँ, उसकी माइनिंग कर रही हूँ जमीन से, मुझे डायमंड मिल गया, तो क्या डायमंड मेरी बाय प्रोडक्ट है। मैं दोबारा से सवाल पूछ रही हूँ, कोल माइनिंग के दौरान मुझे डायमंड मिल गया, तो क्या डायमंड मेरी बाय प्रोडक्ट है। भाई मिला तो मुझे, मेरा थोड़ी तक है मुझे डायमंड मिल जाएगा। तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी, डायमंड मिलने के बाद आप मजीद माइनिंग करेंगे या डायमंड ही आपकी मेन प्रोडक्ट हो जाएगी। तो फिर आपका जवाब होगा कि मिस डायमंड ही मेरी मेन प्रोडक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखें, टू कंडीशंस फॉर बाय प्रोडक्ट, कि वो आपकी मर्जी से नहीं बन रही हो, खुद बखुद बन रही हो या मिली हो, ठीक है, उसकी क्वांटिटी मेन प्रोडक्ट के मुकाबले में बहुत थोड़ी होनी चाहिए और वर्थ वाइज भी बहुत कम होनी चाहिए आपके आपकी मेन प्रोडक्ट, ठीक है। कंडीशंस क्या है, कंडीशंस फॉर बाय प्रोडक्ट के वो अनइंटेंशनल हो और वो क्वांटिटी वाइज और वर्थ वाइज जो हो मेन प्रोडक्ट के लेस हो। लेस देन मेन प्रोडक्ट, ठीक है। ये था मेरा बाय प्रोडक्ट, डेफिनेशन पढ़ते हैं। बाय प्रोडक्ट्स आर आउटपुट ऑफ सम वैल्यू प्रोड्यूस एक्सीडेंटली या इंसिडेंटली इन मैन्युफैक्चरिंग समथिंग एल्स। मैं तो कोयला रिफाइन कर रही थी, अब उसके दौरान CO2 अगर निकल आई तो वो इंसिडेंटली निकल आई ना, अनइंटेंशनली निकल आई, तो वो होती है मेरी बाय प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।